कैंडी लवर्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। एंड आज हम लोग जा रही है हमारे हॉस्टल की ट्रिप। क्या क्या सीन चल रहा है, एक तो नहाने में लड़ाई, ऊपर से वॉशरूम में लड़ाई, ये सब तो बहुत कॉमन रहता है अगर आप कहीं भी जाते हो। इनफैक्ट आप फैमिली वाले फंक्शन में जाते हो तो भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। चलो मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या सीन चल रहा है। तो भाई ये है हमारा रूम जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है एंड बाहर से बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। ओ भाई यहाँ पे तो अलग ही एक्साइटमेंट है ट्रिप को लेकर ये तो। तो अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने एंड सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि चिल्लाने शुरू कर दिया, ज़्यादा पागल हो गए हैं सारे के सारे। अब हमें यहाँ पे मिला है पराठा एंड कॉफ़ी, बाकी सबको दबाव तो लगानी ऑब्वियसली बात है यार, ऐसे ही देते हैं। So. And this is my final look. Get ready with me, जरूर देखना। बाहर जा रहे हैं सामान लेने के लिए और सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मैं एक्साइटमेंट आपको आराम से बस में दिखाऊंगी। फिलहाल हम थोड़ा लेट हो चुके हैं तो हम जरा आते हैं, मिलते हैं। तो हम लोग सारे तैयार हो चुके हैं, लेट्स हिप 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 हिप, वाओ, सब चलो स्माइल करो स्माइल करो। थैंक यू तृप्ति। नहीं कौन सा खाएगी, चिल्ली वाला खाएगी। हमारा थोड़ा सा थैंक यू रिफ्रेशमेंट टाइम एंड तृप्ति तांडा बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे और हमें रिफ्रेशमेंट के बॉक्स में मिले थे समोसे सैंडविचेस एंड फ्रूटी। सब लोग खाने में बिजी हो गए थे एंड कुछ लोग डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, गॉसिप्स कर रहे थे, वाज वेरी वेरी फन। और ये सुनीधि हमारी, ये सुनीधि मैम ने तो स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे हम लोग सारे आ चुके थे हमारे डेस्टिनेशन पे एंड अब हम लोग जाने वाले थे मेन एरिया में और हमारे ग्रुप भी डिवाइड हो चुके थे तो सब अपने ग्रुप को लेने के जा रहे थे एंड दिस इज आवर मेन एडवेंचर आइलैंड। तो बाहर से तो अच्छा दिख रहा था, अब चलते हैं अंदर कैसा है एग्जैक्टली। उससे पहले यार हमारी ग्रुप फोटो भी मैंडेटरी है एंड किसी को पकड़ना पड़ेगा उसके लिए एंड दिस इज वी। ओके ये नॉर्मल शॉप्स जिनमें आप आराम से शॉपिंग कर सकते हो। हट जाओ। हम पीछे से जा रहे थे टिकट्स वगैरह लेने के लिए एंड हम लोग लेने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, काउंटर बंद था, हम राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे थे। तो ये आउटर वाला एरिया है, इसे मैं लौटते वक्त जरूर कवर अप करूंगी। फिलहाल तो हम लोग चलते हैं टिकट्स की तरफ एंड ये हमारा मेन एरिया था और यहाँ पे हमारी टीचर्स वगैरह सारी टिकट्स वगैरह ली थी। ऐसे आपको टिकट्स वगैरह पहनाए जाएंगे, जस्ट जैसे आप लोग आओगे आपके हाथ में बैंड पहना दिए जाएंगे एंड ये शो करेगा कि हाँ भाई आप को अंदर मतलब टिकट वैलिड है। तो चलते हैं अंदर, उधर रनवे है वहाँ पे खाना वगैरह खा सकते हो एंड यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो एंड दिस इज द मेन थिंग जहाँ पे हम जा रहे हैं राइड वगैरह करने। ये हमारे दोस्त पहली राइड पे जा चुके हैं, कम ऑन चीयर अप। वहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं और ये सीटी बज गई, अलार्म बज गया कि भाई बजने वाला है। चलो अरे उड़ाओ यार, इतनी देर होगी हम उड़ते उड़ते वेट कर रहे हैं। यार मेरे को तो डर लगता है, थोड़ा सा भी लगता है, स्टार्टिंग में तो होना चाहिए। अब मैं दिखाती हूँ कैसे लग रहा है लोगों को। तो बिल्कुल ही हवा पहुँच गए थे एंड मुझे देख के थोड़ा अजीब हो गया था जस्ट बिकॉज मेरे को थोड़ा डर लगता है सारे राइड्स में। बाकी इन लोगों को तो शक्ल से लग रहा था इनकी मज़ा आ रहा है। ठीक है सबका अपना अपना होता है यार। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी जिनमें आप आराम से फूड वगैरह खा सकते हो, इनफैक्ट यहाँ पे आइसक्रीम स्टॉल्स से आप इंजॉय कर सकते हो सब चीज़ को। और ये लोग दूसरे वाले झूले में जाने की प्लानिंग कर रहे थे, बाकी मैं तो कह रही थी यार क्यों ही जाना है, ऐसी मस्त रील वील बना लेते हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस भी थी, बाई चांस किसी को कुछ इमरजेंसी हो जाती है, किसी को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा था। अजीब अजीब से नाम है यार, हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे थे। एक तो इतनी भीड़ थी, वीकेंड के हिसाब से इतनी भी नहीं थी बट फिर भी हम जिस भी राइड पे जा रहे थे उसमें भीड़ दिख रही थी हमें, बट हम लोगों को वहाँ से कुछ कुछ आवाज़ आ रही थी, पता चला कि हमारे हॉस्टल वाले ही चिल्ला रहे हैं। ये
आज जाके पता चला तो फाके में हमारे हॉस्टल वाले थे। तो ऐसा मिसेस सुपरमैन और ये थी भाई सुपरमैन वाली। यहाँ से सुनिधि भैया माला नहीं चल रहा। एक्चुअली हम लोग सुपरमैन वाली से आ गए। एक्चुअली हमें कोई मिला ही नहीं जो हमारी रिकॉर्ड कर सके वीडियो। बाकी इट वाज वेरी नाइस, मतलब इतना ज्यादा जी भी नहीं घबराया। एंड दिस वाज माय फर्स्ट राइड जो मैंने एक्चुअली मजे करे इस पे। बिल्कुल देसी है मैं जितनी ना तो सोनी वे मेरी दुकान है, मेरे नाम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप आराम से डांस वगैरह भी कर सकते हो। एंड इनफैक्ट इवनिंग के टाइम पे तो यहाँ पे डांस वगैरह लोग करते भी हैं, रेन डांस यार। और ये दूसरी राइड पे हमारे सारे हॉस्टल वाले बैठ चुके थे। और इसमें तो कहीं ना कहीं आप देखो तो मैं भी दिखी जाऊँगी, बट यार ये बहुत ज़्यादा डरावनी दिख रही है, बहुत ज़्यादा। ऐसे जब ऊपर जा रही थी मेरे तो हार्ट बीट बस। मैं झूले पे झूल कर रहा, इतना ज़्यादा अजीब हो गया, सिर घूमने लगा मेरा और बहुत ज़्यादा चीज़ें भी घबरा रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं ट्रेन वाले उसमें एंड अब देखते हैं चलो क्या होता है। अब आ गए हम लोग ट्रेन में बैठने। छिक 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 वाली चीज़। एक घंटी बज चुकी है और हम चल दिए। ट्रेन का व्यू साइड का जो हमें दिख रहा है, चुक चुक गाड़ी में या बिल्कुल बच्चों वाली फीलिंग आ रही है। तो ट्रेन तो सो थी बच्चों वाली थी, यानी यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाला ऐसे गोल गोल घुमाता रहेगा। अरे हम चलते हैं दूसरी राइड में। भैया ने घंटी बजा दी है, अब हम उड़ते हुए हवा में। हम उड़ रहे हैं हवा में, हम उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। ज्यादा नहीं उड़ना ना हमें। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं कार वाला राइड करने के लिए। जल्दी से चांस आ जाए एंड इतने लंबे चौके के बाद पहले हमारी चांस आ गई। पूरा ग्रुप भाई बचाओ बचाओ। एक तो ये भैया भी आकर पीछे पीछे से मार रहे थे यार। हम अपने में लड़ेंगे, इन भैया को मारे हम पहले। लिटरली ये मेरा अब सबसे बेस्ट था, ये मैं लिटरली रिकमेंड करूंगी, दिस वॉज माई बेस्ट पार्ट। ये मैं अपने सारे दुश्मन से बचते हैं, लेकिन ये भाई सामने से आके मारना ही तो नहीं है। कोई साइड से मारेगा, कोई सामने से मारेगा, ये नहीं कि शांति चलाने दे। नहीं शांति पसंद नहीं का देख देख दीक्षा बचा ले चली। ये वाला चीज़ तो बहुत ही मज़ेदार था, बट इतना कम टाइम के लिए था ना, मैं चाहती हूँ थोड़ा और टाइम हो सकता तो मैं ये लगातार बार बार करना पसंद करती हूँ वाली राइड। ले चली यहाँ पे ये सारे पागल होते हुए उड़ते हुए। अब हम चलते हैं वर्चुअल वाले में एंड ये थोड़ा अलग था। यहाँ पे भाई सारे वर्चुअल का आप जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बट इसके चार्जेस थे। लाइक अगर आप ग्रुप में जाते हो तो ये 360 वाला जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है रील वगैरह में, एंड साइड में आपका गेमिंग वगैरह था तो इट्स 7500 सब अपने अकॉर्डिंग था। और यहाँ पे हमने वर्चुअल एक्सपीरियंस करा। सुनिधि ना इतनी ज़्यादा डर रही थी भाई, लिटरली मैंने इसका हाथ पकड़ रखा था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था लाइव एक्सपीरियंस चल रहा होगा इसका बिल्कुल। सबके बाद हम आ गए थे दूसरी वाली राइड में एंड ये आपको मिलेगी ये पूल के थोड़े बराबर की साइड। एंड ये थोड़ा ऐसे गिचक 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 ऐसा था, थोड़ा उछल उछल के उछल उछल के ऐसे बम्प वाला होता है ना वैसे था। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे एक मेज थी एंड ये हम ज़्यादा एंड तक तो नहीं तो ये हमारा गोल गोल लगा, हमें लगा कि हम वापस फंस गए तो हमारा क्या ही होगा। और उसके बाद यहाँ पे डायनासोर वगैरह था, यहाँ पे ऐसे ट्रेन भी चल रही थी और नॉर्मल बस भी चल रही थी। इट वाज नाइस, बेकिंग भी कर सकते हैं। और अब हम लोग आ गए थे हमारे फेवरेट एरिया, दैट इज़ फूड एरिया। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर करा था वेजी पिज्ज़ा एंड भैया ने इतने भर भर के इसमें सारे वेजीज डाले थे और ये सारे तक खुश होते हुए। उसके बाद भैया ने डाले थे इसमें बहुत देर तक सका चीज़ एंड वाकई में इट वॉज लिटरली नाइस टू सी। एक्सपीरियंस करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब भैया इतने प्यार से बना रहे थे और बातें भी कर रहे थे तो अच्छा लग रहा था ना। फिर भैया ने लगा कि भाई पहले तो इनका हंसना बंद हो, एंड भैया को लगा थोड़ा चीज़ कम पड़ गया, फिर भैया ने और एक्स्ट्रा निकाला एंड और एक्स्ट्रा चीज़ डाला था। ये डिफाइन करते हुए हाँ
आया। फिर भैया ने और चीज देखी और भैया ने और चीज निकाली, भैया फिर शुरू हो गए ऐसे चीज को घिसना। लिटरली आज हम लोग खा रहे थे ना ऐसा चीज, बिल्कुल बिल्कुल माउथ में मेल्ट हो रहा था। एंड फाइनली हमारा ये पिज्जा ओवन के अंदर चला गया एंड जस्ट वेट है जल्दी से बस बाहर आ जाए। तो फाइनली हमारा पिज्जा आ चुका है एंड चलो देखते हैं कैसा है। पहले हम स्प्रिंकल कर लें जरा अपना। दिल्ली से ही है भैया, हॉस्टल वाले हम सारे। जल गई थी एंड अभी बाहर आती है चिली फ्लेक्स की और इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था, बस मन कर रहा था जल्दी से टेस्ट कर लो। चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। इट वाज रियली गुड, 100 रुपीज़ में और तुम लोगों को क्या चाहिए, इट वाज नाइस। यहाँ पे स्प्लैश पूल वाला एरिया था जहाँ पे वाटर राइड्स वगैरह हैं, अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। एंड गर्मियों के लिए तो ये बेस्ट टाइम है बिकॉज पानी का मज़ा तो गर्मियों में ही होता है। मैंने वाली राइड ट्राई नहीं करी जस्ट बिकॉज थोड़ा मौसम फेवरेबल नहीं था एंड ईजिली फीवर कैचअप हो सकता था, बट जैसे ये लोग आ रहे थे ऊपर से इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था लिटरली, और मज़ा ही आ रहा था देखने में। तो फाइनली हम नेक्स्ट जगह आ चुके थे खाने के लिए एंड थोड़ा भूख भी ज़्यादा ही लग रही थी, तो हम लोगों ने ऑर्डर करे थे बर्गर एंड पेप्सी फ्रॉम पिन बलूची एंड लेट मी जस्ट टेस्ट कैसा है ये भाई। ये मेरा फर्स्ट बाइट एंड लिटरली इतना ज़्यादा ऊपर से इतना हार्ड लग रहा था लिटरली, जितना ऊँचे नाम उतने फीके पकवान वाला सीन नहीं हो जाता है वैसे ही था। इसके अंदर उन्होंने डाला तो पैटी, पैटी अच्छी थी बाकी, एंड एक खीरा सा स्लाइस, एक टमाटर की स्लाइस बस, तो इट वॉज नॉट वा। एंड दिस इज़ द आउटर एरिया, फाइनली हम लोग बाहर की साइड आ चुके थे जो मैंने कहा था कि मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अब सब चीज़ नॉर्मल हो गई थी, सब चीज़ चलने लगी थी, यहाँ पे आप इन्जॉय कर सकते हो। एंड फाइनली हम बस में वापस आ गए एंड दिस इज़ द बस सीट। भाई ऐसे सो रहे थे लिटरली जैसे कितने घोड़े बेचे हों सब लोगों ने, अपनी सीट के अंदर घुस घुस के सब लोग सो रहे थे भाई, तो इट वॉज लिटरली अ वेरी फैंटास्टिक। तो फाइनली हम लोग वापस आ गए एंड बहुत ज़्यादा मज़ा तो नहीं आया, ठीक है, मतलब एवरेज था, इतना ज़्यादा वाओ तो नहीं था, मैं कहूँगी इतना ज़्यादा बेकार भी नहीं था। लोकेशन वाज लाइक ओके ओके जस्ट बिकॉज काफ़ी सारी राइड्स वॉकिंग नहीं थी एंड जो मेन चीज़ मेरे को थोड़ा ऐसी लगी, ऑफ सी लगी, वो ये था कि मेजॉरिटी झूले वगैरह में काम भी नहीं कर रहे थे जस्ट बिकॉज कभी किसी में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, कभी किसी में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। खैर मुझे तो थोड़ा डर भी लगता है तो मेरे को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, बट जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं उनके लिए बता रही हूँ। तो आई रेट 5 out of 10 टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट रिव्यू। इतना ज़्यादा लाइक टाइम कंज्यूमिंग एरिया नहीं है, आप आराम से 3 to 4 hours इनफ रहेंगे, फैमिली के संग फ्रेंड्स के संग जाओगे इट विल बी फन। बाकी ठीक था, खाना वॉज ओके एंड पिंट बलूची का बर्गर वॉज लाइक नॉट दैट वाओ, उसका जो क्रस्ट था दैट वॉज नॉट वेरी नाइस, बट ओवरऑल ट्रिप ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स के संग गए तो मज़ा तो आना ही था एंड इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। चलो मैं मिलती हूँ मेरे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।